क्या आप जानते हैं कि 850 करोड़ रुपए कीमत थी 1962 में दुनिया की सबसे महंगी और एट द सेम टाइम सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा की। इटली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेनेसांस इरा के आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने तकरीबन 500 साल पहले इस पेंटिंग को बनाया था और वैसे तो ये प्राइसलेस है, बट फिर भी कुछ अंदाजा लगाया तो आज के डेट में इसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए होगी। दूसरी सबसे महंगी भी लियो भाई ने बनाई है, उनकी पेंटिंग सेल्वाटोर मंडी एक सऊदी प्रिंस ने तकरीबन 3700 करोड़ रुपए में खरीद ली थी। तीसरे नंबर पे डच अमेरिकन पेंटर विलियम डे कूनिंग की इंटरचेंज, जिसे अमेरिका के एक हेज फंड के मैनेजर ने 2471 करोड़ में खरीदा था। अब ये तो वो पुराना माल, नए आर्टिस्ट की बात करें तो द मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी या डिजिटल आर्ट है द मर्ज, जिसे 2021 में 756 करोड़ रुपए में बेचा गया। ये किसी भी जीवित आर्टिस्ट के द्वारा एक पब्लिक सेल में बेचा गया अब तक का सबसे महंगा आर्ट वर्क है। वैसे आपको क्या लगता है द मर्ज के कितने ओनर होंगे? 28,983 जिन्होंने इसे आपस में मिलकर खरीदा। और आप भी मेरे साथ मिलकर दबा दो सब्सक्राइब बटन।